सिक्स बिलियन पीपल, सबके सब हम सुक्खू के पीछे भागने वाले हैं। हमारी जो मोटिवेटिंग शक्तियां हैं वो हमें सुख के पीछे भगाती हैं। सच्चाई और भलाई से हमें कुछ लेना देना नहीं, अगर उसमें सुख मिलता है तो सच्चाई बोल देंगे, झूठ बोलने में सुख मिलता है तो झूठ बोल देंगे, किसी का नुकसान करने में सुख मिलता है नुकसान कर देंगे, किसी का भला करने में सुख मिलता भला कर देंगे। मदर टेरेसा को भला करने में सुख मिलता था भला करती रही, इंसानों का भला करती रही, जानवरों को काट काट खाती रही, इंसानों का भला करती रही हमदर्दी से, पर वो हमदर्दी जानवरों के लिए क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो जानवर बने हैं वो तुम्हारे खाने के लिए बने हैं। भाई तो कल कितनी प्यारी बात बहन जी ने कही थी कि जानवर भी कल को अगर हायर अवेयरनेस आ जाए उनके पास और उनके पास वाक शक्ति आ जाए और होश आ जाए उनको, तो मनुष्यों को कितने प्यार से कहेंगे, भाई अभी तक तो तुम हमें खाते रहे, अब तुम्हारी बारी है, हम तुम्हें खाएंगे। तो भगवान देव आत्मा इन सारी मनुष्य की सुख अनुरागी प्रकृति से बिल्कुल उल्ट प्रकृति लेके बना हुए, और यही चीज उनके और हमारे बीच में गैप पैदा कर रही है, जैसे जानवर और हमारे बीच में गैप पैदा कर रही है कि कोई जानवर किसी इंसान को समझ नहीं सकता। कितना योग्य से योग्य जानवर पकड़ के ले आओ, वो इंसान का रूप कैसे समझेगा, कहां समझेगा, उसके बस में है नहीं। ये जो थोड़े से लोग यहां बैठे हैं इसका कारण यही है कि ये बातें जो गुरु महाराज ने बताई है ये हमारे बस की बात नहीं है। सोलन में एक वैद्य जी है, उन्होंने एक बहुत प्यारा सेंटेंस कहा था अभी महीना पहले, परसों आए थे वो, कहते हैं भगवान देव आत्मा को कोई नहीं पहचान सकता। सच्चाई है, हम तो इंसान को नहीं पहचान सकते, हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं पहचान सकता, सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते निकल जाती है, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान सकते, उनके साथ ही झगड़ा चलता रहता है, बच्चे अपने आपस में बहन भाई नहीं एक दूसरे को पहचान सकते, वो एक दूसरे के साथ झड़प में रहते हैं। कभी कभी मैं दृश्य देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक भाई भाई है एक बहन है, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ जा रहे हैं। मैं तो पता नहीं कितना किस दुनिया पहुंच जाता हूँ ये दृश्य देख, पर साथ में बदकिस्मती से मेरी मेरे एक विचार आ जाता दिमाग में, ये प्यार कब तक रहेगा, इनका ये प्यार कब तक रहेगा। तो भगवान देव आत्मा के अंदर जो शक्तियां थी वो थी सच्चाई का पूर्णांग प्यार, हम भी समझ सकते हैं। बात बात पे जहां में दिक्कत आए वहां झूठ बोलना ही बोलना, जहां में कोई लाभ हो वहां झूठ बोलना ही बोलना, चाहे अपने आप को हम सत्यवादी कहें या कुछ भी। तो इस अंतर में, इस बेसिक अंतर में एक फेज ट्रांजिशन पैदा करती, एक नया अलौकिक अद्वितीय जो पहले दुनिया में था नहीं ऐसा जरूर पैदा कर दिया, ऐसा अविर्भाव पैदा कर दिया, और उनकी ये शक्तियां, इन शक्तियों ने उनको जो रिसर्च करने के काबिल बनाया वो उनकी शक्तियों का भी बहुत बड़ा करिश्मा था, और वैज्ञानिक विधि का भी आविष्कार हो चुका था उस समय में, उस युग में जिस समय वो पैदा हुए। अगर वो वैज्ञानिक विधि के आविष्कार से पहले पैदा हुए होते तो उनकी ये शक्तियां भी धरी की धरी रह जाती, वो कुछ नहीं कर पाते इस फील्ड में। उन्होंने बड़ा भारी क्रेडिट दिया इस बात को कि वैज्ञानिकों ने जो योगदान दिया है उनकी अपनी मानसिक योग्यताओं को बढ़ाने में, और जो इन्फॉर्मेशन तक पहुंची और मिली उनको डार्विन के सिद्धांत की और सारी बातों को, तो वो जिस मतलब मैं आपको एक अपने प्रेजुडिस का एग्जांपल देता हूं। एक भजन है जगदीश जी को बहुत प्यारा है और ये अक्सर गाते हैं, उसमें आता है लेखनी उठती बार बार, लिखने को तुमरी जयकार, भगवान देव आत्मा की स्तुति में है, महिमा में है, और मुझे लगता भी मैं तो लिख नहीं रहा कुछ, कहाँ बार बार मेरी लेखनी उठ रही है, तो मुझे थोड़ा मिथ्या का साथ लगता है, और मैं उस गाने से प्रेरित हो गया उस भजन से, एक संगत की वजह से, भी जिसने लिखा उसकी लेखनी उठती थी, उसने लिखा उस भजन को, बहुत प्यारा भजन है, प्रवेश समय में भजन गाया गया और मेरी दिल की अवस्था अच्छी थी, मेरे दिल को उसने बहुत प्रभावित किया और बहुत मैंने महसूस किया और अपने इस प्रेजुडिस में महसूस किया कि मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं कितना गलत हूं कि मैंने एक अच्छे भजन की इससे फायदा उठाने की बजाय
उसके बारे में अपने दिमाग में एक आध बार इनको भी कहा भाई आप ये भजन मत गाया करो, इसमें ये सेंटेंस है वो सच्चाई का नहीं है, साथ देता। तो पर मैंने उस दिन अपने उस प्रेजुडिस को अनुभव किया। तो हम इतने प्रेजुडिस लोग हैं, कितने हम विज्ञान की बातें करें, कितने हम PhD हो जाए, कितने हम लायक हो जाए, हैं प्रेजुडिस, क्योंकि हमारे सुखदार हमें प्रेजुडिस बनाने के लिए हमें मजबूर करते हैं। उनके अंदर एक उन्होंने बात कही है जिसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम सबके चेहरों पर आंखें हैं, आप सब सुझाखे हैं, मैं भी सुझाखा हूँ अपने आप को सोचता हूँ, हमारी आंखों में देखने की योग्यता भी है। यहां से बिजली गायब हो जाए, अंधेरा हो जाए, हम कुछ नहीं देख सकते। कौन सी बिजली? भौतिक रोशनी, भौतिक ज्योति, फिजिकल रोशनी, क्योंकि इन आंखों से देखने के लिए भौतिक रोशनी की जरूरत है। भौतिक रोशनी क्या दिखाती है? भौतिक रूप मुझे दिखाती है, दीपिका के फादर पीछे बैठे हैं मुझे दिखाती है, या सीताराम जी बैठे हैं, भौतिक रूप दिखा रही है मुझे। ये भौतिक ज्योति मुझे सीताराम जी की गुण नहीं दिखा सकते। ये नहीं दिखा सकती कि ये एक टाइम में इतने शराबी थे, इतने कबाबी थे, इतने अत्याचार करने वाले थे, इतने दुखी करते थे अपने आप को और अपने परिवार वालों को, और आज ये परिवर्तन देख भगवान देवात्मा की शरण में आके बिल्कुल ही और ही किस्म के जो कृति बन रही है चीज, भौतिक शक्ति ज्योति नहीं दिखा सकती। तो ऐसे मानसिक ज्योति है, दिमागी ज्योति, वो मानसिक चीजों को दिखाती है, दिमागी चीजों को दिखाती है। ऐसे सात्विक ज्योति है, वो सात्विक गुणों को दिखाती है दूसरों के। तो भगवान देवात्मा में इन सबसे ऊपर देव ज्योति थी, उनकी वो देव ज्योति जो दिखाती थी वो मेरी भौतिक ज्योति मुझे क्या दिखाएगी, वो मानसिक ज्योति क्या दिखाएगी, वो जिन लोगों में सात्विक ज्योति है वो सीमित उतनी सीमा तक दिखाएगी, उतने लेवल तक अवेयरनेस है उनकी, उतने लेवल तक जागृति है उनकी, उससे ज्यादा वो उनकी पहुंच नहीं है। तो इस देव ज्योति की विशेषता के कारण उन्होंने ये सच्चाइयां खोजी। मैं थोड़े से शब्द उनके आप पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बीच में से पढ़ रहा हूं इसलिए कोई पीछे से कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी बहुत सुनने के योग्य शब्द हैं, बीच में से ले रहा हूं। रात बहुत बीत गई है, लाखों मनुष्य और पशु, हाँ वृक्ष तक आराम की हालत में बेसुध पड़े व खड़े हुए हैं, परंतु मुझे नींद नहीं। तो भाई वो भी सो सकते थे, वो तो उस जमाने में 150 रुपए की नौकरी करते थे जो आज 1.5 लाख के बराबर हो महीने की। वो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े हुए थे, 1866 में उन्होंने एडमिशन ली थी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उस जमाने में, उनको नींद क्यों नहीं? परंतु मुझे नींद नहीं, मुझे विश्राम नहीं, सिर सोचते सोचते बहुत थक गया है, उसमें दर्द हो रहा है। पिछले दिनों मुझे अद्वितीय त्याग भगवान ने लिखा है 7 लाख में, उसका पहला खंड पढ़ने का मौका मिलता रहा है, तो मेरे तो दिमाग में समझ नहीं आती कि उतने फिजिकल दुखों में से उनको गुजारा गया और उनको इतनी यातनाएं और तकलीफें दी गई कि उसके बावजूद वो ऐसा काम कर कैसे गए, मेरे तो दिमाग की पहुंच से बिल्कुल बाहर। मेरे परसों सिर दर्द हो रहा था, आधे सिर में हल्का हल्का दर्द, ज्यादा नहीं था, मैं ऐसे कुछ नहीं हुआ था। और उनकी तो ये दिन रात की कहानी ही थी। तो उन्होंने लिखा है उसमें सिर में दर्द हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे विचार का सिलसिला बंद हो, परंतु सिलसिला बंद नहीं होता, पर यह संग्राम लगातार निष्फल नहीं जाता और नहीं जा सकता। हाँ, एक तौर से प्रति मुहूर्त का संग्राम ही सफलता की जंजीर में एक व दूसरे प्रकार की कड़ी बनता जाता है। हम तो कहते हैं हमारे एक टेस्ट में नंबर नहीं आए वो कड़ी खत्म हो गई, हमारे 4 टेस्ट में नहीं आए तो बिल्कुल ही अब खत्म हो गए। भगवान की क्या दृष्टिकोण है,
हाँ, एक तौर से प्रति मुहूर्त का संग्राम ही सफलता की जंजीर में एक व दूसरे प्रकार की कड़ी बनता जाता है। और जैसे कितने ही बहुत जोरदार दर्दों के बाद एक गर्भिणी स्त्री के गर्भाशय से बच्चा पैदा होता है, वैसे ही कितने संग्रामों के बाद, कितने ही दुखों और दर्दों के बाद मेरे आत्मा में एक एक सत्य प्रकट हुआ है। इसीलिए एक एक प्रसव कारिणी स्त्री के लिए उसका बच्चा जितने प्यार और आदर की वस्तु हो सकता है, ये तो आपको सबको पता है, मां बच्चे को कितना प्यार करती है, कितना आदर करती है, कितनी उसकी कदर करती है, उससे लाखों और करोड़ों गुना बढ़कर। और ये सत्य अनुरागी बोल रहे हैं, ये पढ़ा चढ़ा के बोल नहीं सकते वो, उससे लाखों और करोड़ों गुना बढ़कर मुझे अपना एक एक प्राप्त सत्य प्यार और आदर की वस्तु दिखाई दिया है। हमें कदर नहीं है, इसलिए हालांकि हमारी भी और गुरु के काम की थी हालत इसीलिए ऐसी, परंतु जैसे धन अनुराग और उसे परिश्रम से कमाने के बिना किसी की दृष्टि में धन की यथेष्ट कदर नहीं होती, वैसे ही सत्य अनुरागी होकर परिश्रम और संग्राम के द्वारा लाभ करने के बिना एक एक सत्य की भी यथेष्ट कदर नहीं होती। यही कारण है कि जीवन विषयक एक एक सत्य मेरे नजदीक जितना बहुमूल्य अथवा अमूल्य है, उसका लाखवां भाग भी वह उन्हें मूल्यवान प्रतीत नहीं होता मेरे जैसे व्यक्तियों को, जिन्हें मैं उसे बिना किसी मूल्य के दान करता हूं। कैसी शोचनीय अवस्था, सत्य अनुराग विहीन और मिथ्या कल्पना और कुसंस्कार लोगों में सत्य का कितना निरादर। उन्होंने आगे बताया है कि आत्मा विषय जिन जिन प्रश्नों के संबंध में क्रम क्रम से मुझे अनुसंधान करने और सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, ये थे 12 टॉपिक्स थे जिनमें उन्होंने सत्य ज्ञान लाभ करने की कोशिश की आत्मा के बारे में। मैं उसकी लिस्ट आपको जरूर बताना चाहता हूँ। पहला था मनुष्य आत्मा मूलतः क्या है, बेसिकली क्या है। दूसरा था किसी साधारण मनुष्य आत्मा की वर्तमान गठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे बना हुआ है, जैसे शरीर की गठन है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं, जिगर है, फेफड़े हैं, ये सारा कुछ, ऐसे आत्मा की गठन क्या है, मनुष्य के आत्मा का उसके शरीर के साथ क्या संबंध है, इस बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने भी रिसर्च किया और ये महसूस किया है कि आत्मा मुख्य है और शरीर गौण है, सोल विद बॉडी है, ना कि बॉडी विद सोल है। मनुष्य शरीर का निर्माण, रक्षण, पालन और परिचालन किसके द्वारा होता है, कौन परिचालन करता है, हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है, कौन मेरे से बुलवा रहा है, कौन मेरे से कोई क्रिया करवा रहा है। मनुष्य, पांचवा पॉइंट है, मनुष्य आत्मा परिवर्तन के अटल नियम के अनुसार किन किन प्रकार का परिवर्तन लाभ करता है। अरे साइंटिफिक सारी चीजें हैं। छठा, मनुष्य आत्मा में परिवर्तनकारी गतियां किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, वो गतियां कैसे उत्पन्न होती हैं, भाई मैं जो कोई काम करता हूँ वो कैसे होता है, उत्पन्न होता है। मनुष्य आत्मा की परिवर्तनकारी गतियों के प्रकार की ओर क्या क्या है, मनुष्य आत्मा की परिवर्तनकारी गतियां कितने प्रकार की और क्या क्या है, मनुष्य आत्मा के क्रमशः उच्च परिवर्तन का परिणाम क्या है, मनुष्य आत्मा के क्रमशः नीच परिवर्तन का परिणाम क्या है। दसवां है, क्रमशः उच्च परिवर्तन किस किस प्रकार के आत्माओं के लिए संभव और किस किस के लिए असंभव है, जो आत्मा कौन कौन आदमी बीमारी से निकल सकता है, कौन कौन नहीं निकल सकता फिजिकल शरीर के हिसाब से आप कंपेयर करें तो। ग्यारहवां, जो आत्मा केवल एक सीमा तक उच्च परिवर्तन लाभ कर सकता है, कर सकते हैं और उससे अधिक नहीं, उनका क्या परिणाम होता है, जिसके बीमारी से एक हद तक निजात मिले उसको, तो उसका परिणाम क्या होता है, स्थूल शरीर की मृत्यु के अनंतर मनुष्य के अस्तित्व का क्या परिणाम होता है। ये उन्होंने इतने विषय अपने लिए चुने कि इन पे मुझे रिसर्च करनी है। और उन्होंने क्या खोजा उसका मैं बहुत ब्रीफली, समय बहुत कम है और विषय बहुत ज्यादा विस्तार वाला है, मुझे बहुत ब्रीफ मुझे होना पड़ेगा, संक्षेप में आपसे बताना पड़ेगा। विज्ञान और सत्य की कसौटियों पर ये सारा आत्मा के बारे में जो उनका ज्ञान है ये सही उतरता है, इसको कोई भी टेस्ट कर सकता है। तो परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने एक बहुत बड़ा उपकार हमारे पर किया है,
उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर उनकी भी शिक्षा विज्ञान की किसी कसौटियों पर खरी न उतरे तो क्या उसको मानना जरूरी है या वो त्याग देने के लायक है। आपको पता विज्ञान ऐसी चीज है जो लगातार आगे से आगे जा रहा है, नई नई खोजें हो रही है। जैसे भगवान देव आत्मा के टाइम में एटम को तोड़ा नहीं गया था, मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया गया था, तो उस समय उनका ज्ञान उतना ही सीमित था। तो उनकी तरफ से हमें खुली छुट्टी है कि हमें खुली छुट्टी क्या, उनकी तरफ से हमें हिदायत है कि जो भी वैज्ञानिक बात है उसको मानना है, मेरी शिक्षा को नहीं मानना, वहां पर जहाँ क्लैश आ जाए। इसलिए इसमें भी जो शिक्षा उनकी है इसमें भी कभी क्लैश आए तो कोई भी छोड़ने की उसको खुली छुट्टी। पहली बात कि मनुष्य आत्मा है क्या, वो गठन प्राप्त जीवनी शक्ति है। गठन प्राप्त जीवनी शक्ति का मतलब है जैसे शरीर की गठन है उसके अंदर भिन्न भिन्न अंग है, वो हर अंग का अलग अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, दिल का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, हर अंग का अलग अलग काम है। ऐसे ही मनुष्य का जो आत्मा है उसके भी अलग अलग अंग हैं और उन अंगों का भी अलग अलग काम है। उस गठन की तरफ भगवान देव आत्मा का इशारा है। ये गठन प्राप्त जीवनी शक्ति है और पौधों पशुओं की गठन प्राप्त जीवनी शक्ति से विकसित हुई है, यानी उनके अंदर भी पौधों के अंदर भी उसी प्रकार से एक जीवनी शक्ति है जैसे मनुष्यों में है। ऑफकोर्स क्वालिटी का फर्क है, कार्यों का फर्क है, सारा फर्क है, पर है जीवनी शक्ति वो भी। दूसरा है ये नेचर का अभिन्न अंग है, यानी आत्मा सुपर नेचुरल ही है, नेचर से बाहर नहीं है कुछ भी, जो कुछ है नेचर में है और नेचर के नियमों के अधीन है। तीसरा है नेचर में विकास के क्रम में मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों विकसित हुए हैं। हमारा शरीर तथा आत्मा इसी एवोल्यूशन का परिणाम है, यानी हम तो शरीर का एवोल्यूशन ही पढ़ाते हैं बायोलॉजी के बच्चों को, आत्मा का भी एवोल्यूशन उसी तरह से हुआ और उसका परिणाम हमारा आत्मा है। मनुष्य आत्मा नेचर के नियमों के अधीन है। नेचर के नियम क्या है? परिवर्तन का नियम है, जैसे तो आत्मा भी परिवर्तित होगा। ये नहीं भाई आज एक आदमी बहुत ईमानदार है, कल को चोरी करने लग गया और दिमाग से तो चोरी होती नहीं है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दिमाग तो बदल जाता है तो दिमाग से चोरी नहीं होती। एक आदमी चोरी आज करता है कल को चोरी छोड़ देता है, एक आज चोरी नहीं करता कल को करने लग जाता है। तो परिवर्तन आया आत्मा के अंदर, तो वो विकास विनाश परिवर्तन ये सारे ये सब जितने परिवर्तन है, विकास का नियम विनाश के नियम के अधीन है, जन्म और मृत्यु का परिवर्तन है, ये सारा कुछ आत्मा पे भी लागू होता है। मनुष्य आत्मा में की गठन शक्तियों से बनी है और शरीर उसके रहने का घर है। मेरा जो ये शरीर है ये मेरे आत्मा के रहने का घर है। मैं तो शीशे में अपना शरीर देखता हूँ भाई, मैं जब कंघी करता हूँ तो बालों को ठीक करता हूँ तो अपने शरीर का ठीक करता हूँ। आत्मा की तरफ ध्यान हमारा होता नहीं, जाता नहीं, नजर नहीं आता, सूक्ष्म है शक्ति। मनुष्य का आत्मा मुख्य है और उसका शरीर गौण, इस चीज को तब साइंटिस्ट भी मान रहे हैं और इस लेवल पर पहुंच रहे हैं। न केवल मनुष्यों में जीवनी शक्ति है बल्कि पौधों और पशुओं में भी। जैसे निर्जीव शक्ति जैसे बिजली की शक्ति है अपनी गठन और कार्यों से जानी जाती है। बिजली की शक्ति का कैसे पता लगता है भाई? वो मैग्नेटिक क्या इफेक्ट पैदा करती है, वो करंट लगता है उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसकी शक्ति का उसके प्रभावों से पता लगता है। ऐसे ही जानदार शक्ति जो हमारी आत्मा है उसका भी हमारे द्वारा किए गए सोच विचार और एक्शन से उसका पता लगता है कैसी शक्ति है, वो क्या काम कर रही है। तो मनुष्य आत्मा भी अपनी गठन व कार्यों से जाना जाता है। यह परमात्मा की क्रिएशन नहीं बल्कि परमात्मा का विश्वास इसके इमेजिनेशन की क्रिएशन है। भाई जब किसी चीज का हल ना ढूंढे तब कहते हैं एलर्जी है, बीमार है पता नहीं लग रहा एलर्जी है, डॉक्टर कहते हैं एलर्जी है भाई पता नहीं क्या कारण है इसका। तो ऐसे ही एलर्जी बना लिया अपने परमात्मा को कि हमें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो हमने कहा भाई परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ। मनुष्य आत्मा कैसे जन्म लेती है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो है उनकी जब दो बूंदें एक दूसरे से टकराती हैं उनकी जीवनी शक्तियां मिलकर नई जीवनी शक्ति पैदा करती हैं जो जीवनी शक्ति पहले नहीं थी। भगवान देव आत्मा ने आगे चल के चार गुण बताए हैं जो मैं आपसे आत्मा के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं।
उन्होंने कहा है ये शरीर पहला गुण है, ये शरीर की निर्माणकारी शक्ति है और शरीर में वास करती है, यानी मेरे शरीर को बनाने वाली मेरी आत्मा है, उसको बनाने वाले मेरे माता पिता, उनकी आत्मा मेरे शरीर की आत्मा का निर्माण करती है, मेरी आत्मा मेरे शरीर का निर्माण करती है। इसको हम बड़े आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर बॉटनिस्ट भी है, जूलॉजिस्ट भी है, एक पौधे के बीज लें, उनको उबाल लें या उनको भून लें या गर्म कर लें और उनको बोएं फिर मिट्टी में, बढ़िया से बढ़िया खाद है, ये देसी खाद, ये यूरिया, ये फॉस्फेट, ये फलाना, जो जो दुनिया की सबसे बढ़िया खाद है वो ले आए और डालें उस खाद को और कोशिश करें उससे पौधा पैदा करने की, क्या मिलेगा? बंजर जमीन। क्यों? उन बीजों में जो जीवनी शक्ति थी उनको आपने भून दिया, खत्म कर दिया, अब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं रही अपना नया शरीर निर्माण करने की, पौधा बनाने की। पौधों से पशुओं की तरफ चलते हैं। मैं वैसे मुझे तो अंडों का नाम लेने में भी तकलीफ होती है, पर जो लोग खाते हैं वो अंडे, वो अपने उबले अंडों से चूजे पैदा करने की तरह कोशिश तो करें, दिखाएं कृष्णा साईं बाबा की तरह कुछ करके, कुछ माना जाए भी हाँ आपने भी कुछ कृष्णा दिया। कई बार नहीं होते, वो उनकी योग्यता नहीं होती जिसमें, सब माँ बाप के बच्चे भी नहीं होते, तो ऐसा योग्यता की बातें हैं ये, तो आगे फिर साइंस बहुत आगे तक जाती है इसकी। तो इसी तरह से मनुष्य स्त्री के गर्भ में अगर कोई बच्चा पल रहा है और 4-6 महीने 5 महीने का बच्चा है और किसी कारण से एक्सीडेंटली अबॉर्शन हो जाता है उसका, उसके बाद उस बच्चे को कोई डॉक्टर नहीं चिंता कर सकता, वो उसका आत्मा खत्म हो जाता है साथ के साथ, वो नया उसके शरीर को आगे निर्माण नहीं कर सकता और छुट्टी हो जाती है वही उसके जीवन की। तो ये सारी केसेस में ये साफ होता है कि जीवनी शक्ति ही निर्माणकारी शक्ति है, बीजों की भी, अंडों की भी, इंसान के बच्चे की भी, और वही अपने लिए शरीर निर्माण करने की योग्यता रखती है। इसी जीवनी शक्ति का काम है शरीर का पालन करना, इसकी रक्षा करना, इस पर शासन करना। मेरी आंखों को कौन मैला करता है? मेरी जीवनी शक्ति, दिमाग नहीं। मुझे चोर कौन बनाता? मेरी जीवनी शक्ति, उसके अंदर धन राग पैदा हो गया, धन का लालच पैदा हो गया, जबरदस्त बढ़ गया, यानी जो भी निष्ठा हो रही है, चूहे को किसी ने पैसे का लालच पैदा किया, उसकी आत्मा में एक रोग आ गया, इसको आत्मिक रोग कह सकते हैं। जैसे शरीर के रोग हैं वो शरीर की को कमजोर बनाते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मा के रोग, उसके अंदर जो कमियां आ जाती हैं, जो बीमारियां आ जाती हैं, वो हमारे आत्मा को कमजोर बनाते हैं और धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तीसरा है शरीर को जीवित रखना। शारीरिक मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का निर्माण करके उस सूक्ष्म शरीर के साथ परलोक में निवास करना। चौथा है एक से अनेक होने की योग्यता। एक पौधा कितने फल पैदा करता है, कितने बीज होते हैं, उससे कितने फिर आगे पेड़ पैदा हो सकते हैं, एक से अनेक होने की योग्यता। अब प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा की कौन सी बोध शक्तियों द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के बारे में या बाहर की दुनिया के बारे में सत्य ज्ञान लाभ कर सकता है, सच्चा ज्ञान लाभ कर सकता है। तो उसके अंदर मैं बहुत ब्रीफली आपसे बताऊंगा कि पहला है साक्षात ज्ञान उत्पादक कई प्रकार की प्रारंभिक बोध शक्तियां, यानी आकार देखने की योग्यता, नाक से सूंघने की योग्यता, ये कुत्ते में भी होती है, हमारे से ज्यादा अच्छी होती है, सुनने की योग्यता, रस या स्वाद बोध करने की योग्यता, मीठा नमकीन, ये आत्मा की शक्तियां हैं जो हमें ज्ञान पैदा, हम ज्ञान जिनके थ्रू ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कठोर व नरम टच करके किसी चीज को स्पर्श करके हम पता लग जाता है ये चीज सख्त है ये नरम है, दर्द और पेन, भूख और प्यास, खुजली, गुदगुदाहट, किसी बच्चे को टिकल करो आप तो उसको क्या क्यों नाचने लग जाता, क्यों हंसने लग जाता, क्यों खुश होने लग जाता, ये ज्ञान दायक शक्ति है जिसके द्वारा वो काम हो रहा है, उसको पता लग रहा है उसके बारे में, उसको मुझे कोई खुजला रहा है, मुझे कोई हंसा रहा है। दूसरी है साक्षात ज्ञान उत्पादक कई मानसिक शक्तियां, इनमें एक दो का जिक्र करने जा रहा हूं मैं, धारणा शक्ति।
जब मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी, मेरे धारणा बैठ गई दिमाग में, ये मेरी माँ की आवाज है। क्लियर हो गया मुझे, माँ की आवाज है। जब माँ बुलाएगी तो मुझे पता लग जाएगा मेरी माँ बुला रही है। भैंस ने धारणा कर ली ये मेरा घर है। जब गडरिया उसको ले गया, चरवाहा ले गया उसको घास चराने, वापस आया वो धारणा शक्ति उसको अपने आप उस घर में घुसा के ले गई। काली मिर्च का टेस्ट हमें क्यों पता लग जाता है, काली मिर्च है इसमें, तो धारणा शक्ति ने हमें बताया हुआ है। ऐसे स्मरण शक्ति है, कुछ याद रखने की योग्यता, कल्पना शक्ति है। अब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं देखता हूँ कई बच्चे बिल्कुल कल्पना शक्ति को दबा के रखते हैं, वो दिमाग में पिक्चर नहीं बनाते जो चीज पढ़ाई जा रही है। किसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कल्पना शक्ति की बहुत जरूरत है, तो मैं देखता हूँ किसी के 10 नंबर आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, बाद क्या फर्क क्या है। बहुत बड़ा योगदान कल्पना शक्ति का, वो पिक्चर नहीं बना रहे दिमाग के आगे अपने कि जो चीज पढ़ाई जा रही है, एक बीकर है तो बीकर की पिक्चर बननी चाहिए, उसमें पानी है पानी की पिक्चर बननी चाहिए दिमाग पर। ये जो कल्पना शक्ति है ये हमें बहुत योग्यता प्रदान करती है और अयोग्य भी बनाती है। जैसे ईश्वर का विश्वास हमने कल्पना शक्ति से पैदा कर लिया अपना, तो नुकसान भी करती है। फिर ध्यान शक्ति, कंसेंट्रेशन की पावर, फिर बुद्धि अथवा विचार करने वाली, किसी चीज को एनालाइज करने की शक्ति, फिर तीसरी, ये सब गुरु महाराज के ग्रंथों में से बता रहा हूं, मेरी अपनी इसमें कोई बात नहीं। तीसरा, साक्षात ज्ञान उत्पादक उत्पादक अहं संबंधी कई बहुत शक्तियां। जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता होता मैं हूं, मेरा है, क्या है, कुछ नहीं पता, ये नहीं पता मेरी बॉडी है, मैं उसमें हाथ मारता हूं। जब बड़ा हो जाता है फिर उसको किसी और की पॉटी को कह दो ये तेरी पॉटी है, आपको खाने को पड़ेगा। मेरे को ऐसा कह दिया, मैं की समझ आ गई इसको कि मैं हूं ये और मैंने ये काम नहीं किया। मैं बहुत ब्रीफली आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, तो ये मैं, मुझे, मेरा, मेरी, ये चीजें उसको पता लग जाती है। फिर दुख सुख के बोध उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, जहां दुख मिलता है उससे भागता है, जहां सुख मिलता है उसे भागता है, उधर खिच खिच के जाता है, दौड़ दौड़ के जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है उसको कि इसका क्या नुकसान है क्या हानि है। अगर चॉकलेट खाने में सुख है और चॉकलेट के जो मैन्युफैक्चरर है बनाने वाले वो कहते हैं फायदेमंद है, बाकी सारी दुनिया कहती है खराब है, तो इसको चॉकलेट खाना ही खाना है, क्योंकि उसके सुख की शक्ति उसको मजबूर कर रही है। तो फिर मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, मतलब हम अपना अपनी हानि इसकी बात नहीं, मेरी भी यही बात है, मुझे कुछ स्वाद नहीं लगती मेरा दिल नहीं करता खाने को, स्वाद लगे वो खाने को दिल करता है, फिर की बात नहीं है, हम इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, इससे तो वैसे ही थोड़ा सा बात करने का मन करता। तो इन्हीं सुख के प्रति आकर्षणों ने प्रबल रूप धारण करके हमारे अंदर नीच सुखों के अनुराग बना दिया। अनुराग मीन्स प्रबल शक्ति, कंपल्सिव, मतलब मजबूर है हम उसके पीछे चल देंगे, वो हमें मजबूर कर देगी, मतलब इतनी जोरदार हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि वो हमें मजबूर करती है, शराबी को शराब पीने के लिए मजबूर करती है। श्री मान जी ने अपना उदाहरण दिया, मैं तो इनको गुड डेज में देखा, शुक्र है कि ये अपने फादर को, अब जैसे वो ये पूजा करते हैं ना उनकी, जैसे उनकी इज्जत करते हैं, जैसे उनको फूलों की तरह रखते हैं, तो मैंने दृश्य देखे थे उस फादर को, ये कहा करते थे जो शराब पिया करते थे और रोकते थे कि मुझे किस पागल के घर में, मुझे नहीं पता पागल का वर्ड यूज करते थे क्या, गंदा वर्ड यूज करते थे, किसके घर में पैदा कर दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ कितना नृत्य किया, ये मेरे को रोकता है बाप तेरा शराब पीने। तो वो शक्ति प्रबल थी, अब क्या हुआ, भगवान देवात्मा के देह प्रभाव पाके वो शक्ति नष्ट हो गई पार्शियली या फुली, और उसकी जगह अच्छे भावों ने जगह ले ली। अब ये अपना जीवन औरों की शराब छुड़ाने में लगा रहे हैं। जीवन का जिक्र कर रहे थे कि देखो वो क्वीन एलिजाबेथ की रानी की बहू थी, मैंने इस एंगल से नहीं देखा, एलिजाबेथ की रानी की बहू थी, मैंने इस एंगल से नहीं देखा। वो कहने लगे वो प्रिंस विलियम, प्रिंस चार्ल्स की वाइफ थी, और प्रिंस चार्ल्स ने किंग बना था, नहीं फ्यूचर भावी क्वीन थी, ये मुझे पता था, मेरे को भी ध्यान था, उनके बच्चे राजा बनने थे, भावी राजाओं की मां थी, ये भी मैंने नीचे भी सोचा। यानी
इतनी लकी लेडी, लोग कहते हैं मेरे को 5 अरब मिल जाए, 5 हजार मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए, मैं तो दुनिया में मस्ती मारूंगा। उसके पास तो सब कुछ था, क्या नहीं था उसके पास वो आपको सबको पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसके पास जो कुछ नहीं था वो उसके आत्मा के अंदर नीचे सुख सुखनराग थे, उच्च सुखनराग नहीं थे, उच्च भाव नहीं थे, नीच भाव इतने प्रबल थे कि उसने अपने हस्बैंड से उसको फाड़ दिया। हस्बैंड के भी अंदर थे, उसके अंदर भी थे, दोनों एक ही महल में अलग अलग कोनों में सोते थे। फिर भटक गए दोनों, भटके रहे और बर्बाद हुए, और आपको पता है फिर उनकी क्या कहता हुई। मैं इससे ज्यादा और उस दुखदायी घटना का दोबारा जिक्र नहीं करता। जो भी और जूदेव के साथ क्या हुआ रिसेंट, आजकल अखबार पर भरे पड़े, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैसा पोजीशन, पैसा पोजीशन, पैसा पोजीशन, पैसा पोजीशन, उन पर कुछ नजर ही नहीं आ सकता। क्यों नहीं नजर आ सकता? क्योंकि उनके आत्मा में ये सुगन राग प्रबल हो चुके हैं। एक को चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, दूसरे के पास थी उसको दोबारा चाहिए, उसके बिना उनका काम नहीं चलता। मैं एक मनुष्य की ईगो की घटना आपके सामने, बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। 1968 में जब मैं बाहर था तो मुझे पता इस बात का, आपको भी, आप में से भी जो उस युग में थे उनको सबको पता होगा कि उस जमाने में स्विस घड़ियां चलती थी। हर आदमी स्विट्जरलैंड की घड़ी खरीदता था, जापान की घड़ी कोई नहीं पसंद करता था, घटिया समझते थे उसको। जापान वालों ने एक आविष्कार किया क्वार्ट्ज घड़ी का। जापान वाले स्विट्जरलैंड वालों के पास गए, क्योंकि स्विस घड़ियां चलती थी, कि भाई हम तुम्हें एक पुर्जा बना के देते हैं क्वार्ट्ज का, तुम अपनी घड़ियों में उसको इस्तेमाल करो, ना मेन स्प्रिंग की जरूरत रहेगी, ना और पुर्जे जितने घड़ी में घूमते हैं, आपने देखा हो किसी ने पहला स्पीड, ये वो जो भी पुरानी घड़ी में होता था, उसकी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल डालना है, उसने अपना काम करना है, और ये घड़ियां में हम आपको ये सप्लाई कर देते हैं मटेरियल, आप इन घड़ियों को उस मटेरियल से बना के बेचो। स्विट्जरलैंड वालों ने क्या जवाब दिया? बहुत बढ़िया जवाब है, हम भी देते हैं सारी जिंदगी अपनी, दूसरों को हम यही जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, मैं रिपीट उनकी कोट करता हूं, हम तो सदियों से ऐसी घड़ियां, मेन स्प्रिंग वाली पुरानी घड़ियां, हम तो सदियों से वो घड़ियां बना रहे हैं, तुम हमें मत सिखाओ कि घड़ियां कैसे बनानी है, तुम हमें मत सिखाओ। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूं भाई तुम मुझे मेरी फिजिक्स की गलती मत बताओ, तो मेरे से बड़ा बुरा काम होगा, या मेरा कोई साथी अध्यापक मुझे कहे भाई तुम्हारी ये कॉन्सेप्ट गलत है इसको ठीक करो, मैं कहूँ नहीं मेरी ठीक है, मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा, हमारा अहम कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मत सिखाओ कि घड़ियां कैसे बनती हैं, सारी दुनिया ने हमसे सीख कर ही तो घड़ियां बनाना सीखा है, तुमने भी हमारे से सीखा। अरे भाई तुमने भी जापानी जो घड़ियां बनाई हमसे सीख के बनाई, आज तुम्हें हमें सिखाने वाले आ रहे हो, रिजल्ट क्या हुआ पता आपको? आज 10 घड़ियां जापानी बिकती हैं तो एक स्विट्जरलैंड की घड़ी बिकती है। हमारा घमंड, हमारा अहंग, हमारी ईगो हमें कहां पहुंचा देती है हमें नहीं पता इस बात, उनको भी नहीं कभी ख्याल होगा स्विस वालों को। और जिसने ये रिसर्च की, ये भी एक साइंटिस्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट है जो मुझे पता लगी कि वो ईगो के साथ लड़ रहा है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लड़ा हुआ अपने संग्राम करने, और उन्होंने ये बात लिखी है और ये घटना बताई है। मैंने एक घटना का जिक्र किया था 2 साल पहले, मैंने वो घटना कही थी, तो मेरी बेटी ने बाद में कहा मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत रोई मैं उस घटना को सुनते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। शायद RST कॉलेज फिरोजपुर की घटना है कर्नल जी के टाइम की, कि एक विद्यार्थी वहाँ उनके कॉलेज में पढ़ता था, उसके माता पिता गांव से थे, बहुत गरीब थे, बहुत पेट काट के, बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफें उठा के ये चाहते थे कि मेरा बेटा लायक बन जाए, हमारा बच्चा लायक बन जाए। तो उन्होंने वहाँ पेट काट के पढ़ाने के लिए फीसें दे के, सभी माता पिता ऐसे करते हैं, उनके पैसा
उनके माता पिता भी उनके ऊपर यही उपकार कर रहे हैं, जिनके माता पिता में पैसा नहीं वो भी यही उपकार कर रहे हैं। उपकार तो उपकार ही है, चाहे पैसा पेट काट के कर रहे हैं, चाहे उनके पास एक्सेस पैसा फिर भी कर रहे हैं। तो उस बच्चे को दाखिल कराया, वहां पढ़ाया, पिता के दिल में आया, माँ के दिल में आया कि मेरे बेटे को घी खिला दे, जाके बापू जा बापू घी ले जा पुत्र वास्ते, खिला उसनू घ्यो दा पीपा, ये थोड़ा थोड़ा बचा बचा के मक्खन क्रीम बचा बचा के घी तैयार किया, इकट्ठा किया पीपा। अब मैं देखता हूँ बलजीत सिंह जी बैठे मेरे सामने, इनका बेटा है, इतना इन्होंने अपने फाइनेंशियल हालात को टाइट करके अपने बेटे को कैनेडा भेजा पढ़ने के लिए। मेरा वो विद्यार्थी भी रहा है, तो उसका इतना ज्यादा शौक नहीं था पढ़ने का, तो इनको मजबूरी में ये सोचा भाई कैनेडा जाके सेट हो जाए। बता रहे थे आज 2 साल तो हो गए, अभी 2 साल और उसके वहाँ पर है और पैसे भेजने पड़ते हैं, 50% वो खुद अपना खर्च निकालता है, 50% ये भेज रहे हैं, अभी भी इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना तकलीफें उठा रहे हैं। तो प्यो बेचारा, बापू बेचारा, पिता बेचारा घी का कनस्तर लेके तब पहुंचा फिरोजपुर कॉलेज में। तो बच्चे घूम रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ, देख रहे थे कि ये कोई आदमी आया है घी का पीपा लेके आया है इसके लिए। तो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, भाई ये कौन है? कहता है हमारा नौकर है। उस फादर की हियरिंग में फादर ने भी सुन लिया उस बात, उस पर क्या गुजरी होगी वो मैं नहीं बता सकता, मेरे पर उपकारी है, हमारे लिए किसी ने क्या किया है, सब हमारे आंखों से ओझल हो जाता। मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी और आप सारे कृपा करके एक मिनट के लिए वो ट्राई करेंगे, आप अपनी सीटों से बिना झुके उठ के दिखाइए, जरा ट्राई कीजिए प्लीज, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, साइंस के हम विद्यार्थी हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, जरा कोशिश करो आगे झुके बिना, प्लीज एक बार ट्राई करिए। सबको प्रार्थना, सबको प्रार्थना, एक्सपेरिमेंट करके देखिए एक बार बिना झुके, झुकना नहीं आगे, जवान कर लेंगे, हाँ जी जवान कर लेंगे, नहीं जवान कर सकते श्रीमान जी, बिना झुके कोई नहीं उठ सकता, बिना अपनी ईगो को काम किए कोई नहीं उठ सकता, कोई ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ एक मेरे पास प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, 76 साल की उनकी उम्र है, वो उनसे बढ़िया मैथमेटिक्स का टीचर मुझे नहीं पता, मेरा दिल करता है उनसे मैं मैथमेटिक्स का नहीं। वो जब ऑफिस में आते हैं, दलविंदर साहब गुड मॉर्निंग, किरण मैम गुड मॉर्निंग, जोगिंदर गुड मॉर्निंग, हरेक को गुड मॉर्निंग करते हुए जाते हैं, मैं ये नहीं कर पाता। कहां फर्क है, मेरे अंदर ईगो से ज्यादा है इस मामले, मेरी ईगो मुझे मजबूर करती है कि मुझे कोई और विश करे फिर मैं उसको, तो मैं फिर ऊपर कैसे उठूंगा भाई। जितने लोग हाई जंप की छलांगे लगाते हैं आप टीवी पे देखना, ये खुद हाई जंप की छलांग लगा के देखना भाई, नीचे हुए बिना कैसे कैसे छलांग मार सकते, अरे ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हम नीचे झुके बिना ऊपर उठना चाहते हैं, वो हमारे लिए नेचर ने संभव नहीं रखा। भगवान देवात्मा ने, भगवान देवात्मा ने बड़े बड़े घमंडियों के सिर नीचे किए हैं। मुझे भी आज जो दिखाई है ये बात, कई बार पहले भी नजर आई है, फिर मैंने कुछ देर कोशिश की है, फिर भूल जाता हूँ, बड़े धुन में मस्त हो जाता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक घटना इनके श्रद्धेय पिताजी की सुनाना चाहता हूँ। ये श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी, इनके श्रद्धेय पिताजी का नाम था सरदार साहब, सरदार साहब सरदार हरनाम सिंह जी। फॉर्चुनेटली ये फोटो यहाँ पड़ी थी, श्रीमान जी ने मेरे से पूछा भाई ये आपने रखी है, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं रखी, मैं मेरे काम आएगी, और आ गई काम है जी। ये फोटो है इनके पिताजी की, श्रद्धेय पिताजी।
बाई चांस ये आशिक माई ने किसी को दी हुई थी, वो वापस दे गए, तो ये यहाँ पर फोटो पड़ी है। ये कौन थे? ये जो महाराजा पटियाला हैं, आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके दादाजी के सन उनकी वाइफ यानी इनकी दादी जी, ये अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की दादी जी, और सरदार हरनाम सिंह जी की वाइफ की बहनें थी, यानी उस खानदान से, बहुत ऊंचे खानदान से। जब बड़ी सरदारी हो तो दिमाग बदल जाता है। मैं और इनकी बुराइयों का जिक्र नहीं करूंगा, शराबें, जैसे इन्होंने ड्रम रखे हुए थे पीने के लिए, पिलाने के लिए, शिकार खेलना, अंग्रेजों को लेके साथ जाना डिप्टी कमिश्नर को शिकार खेलने, और एक इंस्ट्रक्शन इनकी थी जिसका जिक्र पहले भी आया है कि अपनी बहुओं को जब वो मायके जाती थी पैदा करने के लिए बच्चा, कि अगर लड़की पैदा हो जाए, अगर पंखुड़ी पैदा हो जाए तो गला घोर देना, गला घोर देना उसका, वापस ना लाना। पता नहीं, वो एक कविता भी है उसके ऊपर बनी हुई, पूरी कती क्या है वो, श्रीमान जी आपको आदम ला, घर मेरे घर नहीं आ सकती लड़की पैदा हो गई, उसको वही खत्म कर देना, वो खत्म करती थी। आज इसके युग में ये काम हो रहा है, और अब आजकल अखबारों में पंजाब के अंदर इस काम की बहुत चर्चा होती है कि बहुत कम रेशो रहेगी लड़कियों की, बहुत कम रेशो है, आदमी बहुत ज्यादा हो गए इसी गुनाह की वजह से। तो ये इनका काम था। तो बाकी इनके अंदर सारा जीवन में परिवर्तन आया, टोटल चेंज आया, लोगों के इन्होंने नशे छुड़ाने शुरू किए, जानवरों को मारते थे, जानवरों के लिए कुंड रखवाए पानी के जंगलों के अंदर, लड़कियों को मारते थे, लड़कियों के चार स्कूल खुलवाए, विशेष सम्मान के योग श्रीमान बलदेव सिंह जी की माता जी उसमें में से एक स्कूल में शायद पढ़ी है, पढ़ाया भी पढ़ी है, आप भी वहीं पढ़ी हो, श्रीमान जी की बहन जी भी वहां पढ़ी है स्कूल के अंदर, इनका किया हुआ उपकार। बाद में फिर ये टीचर बनी और इन्होंने अध्यापन काम किया। तो उनके जीवन की एक घटना बस बताने जा रहा हूं कि सरदारी का बहुत नशा था उनके ऊपर, दिमाग पर। उन्होंने उनका नौकर को कहा, भाई दादाजी यहां भी पहुंच गया। उन्होंने कहा, भाई देखो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया था, मैं तुम्हारे से माफी मांगने आया हूं। तो उसने भी उसी प्रेजुडिस माइंड से, जैसे उस आदमी का प्रेजुडिस माइंड था जिसका बच्चा उसके पास आया था, तो उस नौकर ने भी कहा प्रेजुडिस माइंड से, ये कैसे माफी मांगने आ सकता है, तो पागल है, इसने तो ऐसा सलूक किया मेरे साथ, ये कोई और ड्रामाबाजी करने के लिए आया मेरे साथ। तो उसने कहा, जी आप सरदार हो, आपका तो जो आपने किया ठीक है, उसमें माफी मांगने की क्या बात। तो उन्होंने फिर, क्योंकि दिल सचमुच उस ज्योति और तेज को पाके पश्चाताप की अग्नि में से गुजर रहा था, इसलिए उस दिल को ये गवारा नहीं हुआ, भाई इसने माफी नहीं दी और मैं ऐसे ही चलो माफी की फॉर्मेलिटी करके चला जाऊं। उन्होंने अपनी सोटी उसको पकड़ाई और कहा, आप इस सोटी को उठाओ और मेरे जितनी मारनी है मार लो, अपनी पीठ आगे कर दी, मुझे जितना मारना तुमने मार लो, मैं तुम्हारे से माफी लिए बिना नहीं जा सकता, मेरे गुरु ने मेरे आत्मा की ये घटिया अवस्था मुझे दिखाई है, जब तक मैं इसका परिशोध नहीं करूंगा, जब तक तुम मुझे सच्चे दिल से माफ नहीं करोगे, मुझे चैन नहीं आएगा। तो सच्चे भावों का सच्चा असर होता है, सच्ची मलहम का काम करते हैं। उस व्यक्ति के दिल पर सच्ची मलहम का काम किया, उसके मन की तकलीफ दूर हुई और सरदार जी फिर माफी मांगने वापस आ गए। ये एक घटना मैंने बताई है उनकी जिंदगी की, सैकड़ों ऐसी घटनाएं किताबों में बंद हैं, हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं, मुझे भी नहीं टाइम। तो क्या बरकतें मिलती हैं इंसान को अपने जीवन की मैल धोने के साथ, परिशोध करने के साथ, अपने ईगो को देखने और उसके उसके साथ लड़ने के साथ, इसकी कोई इंतहा नहीं। साइंस की जो एडवांसमेंट है जिसका मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में, साइंस की जो प्रगति है, साइंस जो आगे बढ़ रही है,
वो सारी की सारी मानसिक ज्योति में हुई है, विकसित दिमागी ज्योति में। मानसिक ज्योति का मतलब इसलिए बहुत मुबारक है, उसके बिना आध्यात्मिक ज्योति भी काम नहीं कर सकती, इसलिए उस एंगल से भी एसेंशियल है, जरूरी है, कीमती है, बेहद कदर करने की जरूरत है। मैं आपको पहले हाईलाइट कर चुका हूं कि कभी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। देव धर्म के बानी, देव धर्म के संस्थापक परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपनी अद्वितीय शक्तियों में, जिन शक्तियों का हम परिचय प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी पहुंच से बाहर, सचमुच में पहुंच से बाहर। मैं तो इन दिनों में मैं तो श्रीमान जी का विशेष कर उपकार महसूस कर रहा हूं कि ये मेरे को जिस प्रोसेस में से गुजार देते हैं, 4-5-7 दिन जो मुझे अध्ययन करने का मौका मिलता है, मुझे अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, जो मुझे इस तरफ ध्यान मेरा जाता है सारे और कामों को छोड़कर, तो मेरा तो बहुत उपकार करते हैं, मेरा बहुत उपकार होता है। मेरे तो इस सारे प्रोसेस में से गुजर कर मुझे एक चीज क्लियर हो गई जो मुझे क्लियर नहीं थी। बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करते हैं, बहुत अच्छी कीमती बातें करते हैं। उनमें से किसी एक बात का किसी के दिल पर असर हो जाता है, वो उसकी बहुत कदर भी करता है, करनी भी चाहिए। पर मुझे ये बात क्लियर हो गई कि वो सब कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है भगवान देवात्मा की रोशनी और तेज का। इनसे रोशनी और तेज पाए बिना हम अपना सही रूप देख ही नहीं सकते। किसी की सात्विक रोशनी के अंदर कोई एक सात्विक अवगुण नजर आ जाएगा, उसको दूर करके हम अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर वहीं तक हमारी सीमा है, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। जैसे मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ या 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, और मैं 1 या 2 कदम चल के कहूँ कि मैंने बहुत चल लिया, तो वो सिचुएशन आ जाती है। मुझे अपने लिए ये बात बहुत साफ हुई है, बहुत समझ में आई है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा की जो शिक्षा है और उनका जो कार्य है और उनकी जो ज्योति और तेज है, देव ज्योति उसको कहते हैं हम, क्योंकि बाकी सब ज्योतियों से अलग है, देव तेज कहते हैं, बाकी सब किस्म की शक्तियों से अलग है, तेज से अलग है, वो जो हमारे जीवन को प्रकाशमान कर सकती है, हमें जो रोशन कर सकती है, हमारी हमारी जीवनी शक्ति को हमें दिखा सकती है, हमारी हमारे रोगों को हमें दिखा सकती है और उससे बचाने का काम भी कर सकती है। तो वक्त आएगा, बहुत हम बहुत घटिया अभी स्तर पर हैं, डार्विन को समझने में लोगों को बहुत साल लगे, बहुत 1850 में ही शायद डार्विन ने सिद्धांत खोजा था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब 1900 में लिखी थी, और 1950-60 तक तो मुकदमे ही चलते रहे डार्विन को पढ़ाने वालों के ऊपर। और अब भी क्रिश्चियंस तो पूरा जोर लगाते हैं कि भाई एवोल्यूशन को ना पढ़ाया जाए, जो ज़्यादा कट्टरपंथी हैं। तो ये बहुत प्रिलिमिनरी युग है, आरंभिक युग है, इसमें अभी कदर हम नहीं कर पा रहे, पर टाइम आएगा, कदर करने वाले पैदा होंगे। और इस जो एडवांसमेंट उन्होंने साइंस की है, मैंने आपको बताया ये किताब 1909 के अंदर लिखी है, इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए, और देवशास्त्र 33 खंडों के अंदर, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड विशेष तौर पे पूरा आत्मा के बारे में, मनुष्य आत्मा के बारे में, कैसे बनता है, कैसे उसका कैसे बिगड़ता है, क्या उसमें रोग पैदा होते हैं, उसकी गठन कैसी है, सारी बातें उन्होंने ये 1929 की 3 अप्रैल को तो देवलोक गमन कर गए थे, और तीसरा खंड तो उन्होंने डेथ से कुछ देर पहले ही फिनिश किया था, खत्म किया था। तो वो सारी चीजें हमारे लिए दे गए हैं, कदर हम नहीं करने वाले। मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत बेकदरी है, बहुत नुकसान उसका उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा जब तक नहीं होश आएगी। मेरी ऐसी कामना है कि मैं अपने जीवन में कुछ अकल सीख सकूँ, कुछ बेहतर बनने के रास्ते को पकड़ सकूँ, और आप में से भी जो जो प्रेजुडिस नहीं थे, जिन्होंने खुले दिमाग से इन बातों को सुना है, वो भी अपने दिल में कुछ हिलजुल महसूस कर सकें, और ऐसे व्यक्ति के, ऐसे व्यक्तित्व के जीवन को कुछ स्टडी कर सकें, कुछ टाइम निकाल सकें, और कुछ उससे फिर लाभ होगी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, लिमिटलेस लाभ। मैंने भी उठाए हैं बहुत लाभ, जितना मैंने फॉलो किया है, जितना मैंने उनकी उनके आगे प्रार्थनाएँ की हैं और उनसे सभाओं में लाभ उठाया है,
तो बहुत फायदा उठाया, पर बहुत अभी कमी है, कमी ज्यादा है, लाभ बहुत कम हुआ है उसकी कंपैरिजन में जो मैं उठा सकता हूँ। तो मेरी आपके लिए भी ऐसी कामना है कि आप भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, और मैं आपका काफी समय ले लिया, तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट हो गए, आपने इतना कम टाइम दिया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ, और सबसे ज्यादा अपने सतगुरु का हूँ कि जिनकी बदौलत मुझे ये पता लगा कि वैज्ञानिक अभी बहुत छोटे स्तर पर घूम रहे हैं आत्मा के बारे में, मुझे नहीं पता था। धन्यवाद। हाँ जी, ने अपने लेक्चर में अगर मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूँ तो जी बताया कि जितना मैटर को जब बायो मैटर को स्टडी किया है तो उसके बाद यही निष्कर्ष निकाला है कि मैटर को जितना ब्रीक करते जाएं भगवान देव आत्मा की जय।